Dear students, this is Daisy ma'am, and in this video we are going to continue with the previous topic, that is gravity. So in this video we are going to learn about the equations of motion for free fall, and we'll also learn that when the object move against the gravity or with the gravity, so what are the equations and what are the situations. So we are going to discuss. So let's start. Here we are going to discuss about the two cases of special interest. The first case is when an object is just dropped from a height h above the surface of earth, the initial velocity u of the object is zero. यानी कि किसी object को जब हम एक height से drop करते हैं earth के surface पे, तो उसका जो initial velocity है वो zero है. Zero इसलिए है क्योंकि हम उसको drop कर रहे हैं, और वो रेस्टिंग पोजीशन से था, और रेस्टिंग पोजीशन से जब उसको ड्रॉप करते हैं तो उस वक्त वो मोशन में आता है, तो उस टाइम पे उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, तो u इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. एज द मोशन इज़ अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अब जो मोशन ऑब्जेक्ट का है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम प्लस थ्री से डिनोट करेंगे. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स, क्या हो जाएंगी, जो थ्री इक्वेशन हमने पढ़ी हैं वो इक्वेशन हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as. तो जब हम u ज़ीरो ले रहे हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उन इक्वेशंस में क्या चेंजेस होंगे. नाउ इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो जो हम इन तीनों इक्वेशंस में जब u की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो जो चेंजेस आएंगे, एंड दोज चेंजेस विल बी v इज इक्वल टू जी टी, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस. राइट, तो आप जब u की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो रखेंगे तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशंस निकल के आएंगी. नाउ द ऑब्जेक्ट रीचेज द अर्थ सर्फेस आफ्टर कवरिंग अ वर्टिकल डिस्टेंस s विच इज इक्वल टू h. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, अर्थ सर्फेस पे गिर रहा है, वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट डिस्टेंस इज अ वर्टिकल डिस्टेंस जो कि s है, और s इज इक्वल टू h लिया है. सो द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू जस्ट रीच द अर्थ इज गिवन एज. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को अर्थ के सर्फेस तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. यानी कि हमने s को h से रिप्लेस किया है, सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. राइट, अब टाइम ऑफ फॉल, ठीक है, किस समय गिरेगा, तो टाइम ऑफ फॉल जो है वो t इज इक्वल टू, हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू रूट टू एच अपॉन जी. राइट, आप देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो उसके बाद ये करने के बाद ये इक्वेशन आपकी बन गई है, तो इस इक्वेशन को बोलेंगे 3.13. नाउ आफ्टर जब हमने टाइम निकाल लिया है, तो हम उसको अब वेलोसिटी निकाल ली उस ऑब्जेक्ट की जो अर्थ की सरफेस पर आएगा, तो कितनी वेलोसिटी से वो आएगा, तो v इज इक्वल टू, हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस है, तो हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू रूट टू जी एच, एस की जगह में हमें h लेना है. तो अब यहाँ देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशंस में जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया है तो यहाँ पे ये चेंजेस आए हैं, और इसे हमको इसका टाइम ऑफ फॉल और वेलोसिटी दोनों का एक्सप्रेशन मिल गया है, दोनों का फॉर्मूला मिल गया है, और इस पर वैल्यूज पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने टाइम पे और कितनी वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे गिरेगा. देन सेकेंड कंडीशन है, लेट एन ऑब्जेक्ट बी थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू. यानी कि अब हम ऑपोजिट कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है. सो एज द मोशन इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो माइनस जी आ जाएगा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल बी इज इक्वल टू माइनस जी. It means that as the ball goes up, its velocity goes on decreasing, and at a particular height h, the velocity of the object becomes zero. यानी कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉल है, उसको अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप उसको थ्रो करेंगे, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुँचते कम हो जाएगी, और जब उस हाइट तक रीच हो जाएगी तब वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी. दस इट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी वो उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट है रीच होने की, पहुँचने की वहाँ तक. सो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी जहाँ जहाँ लिखा है यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो रही है, तो वहाँ पर हम इक्वेशन में जीरो लिख देंगे। फ्रॉम द इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, वी हैव क्या करेंगे, वी इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू यू माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा, तो ये माइनस ए की जगह हम जी लिख रहे हैं और टी हो गया। नाउ टाइम ऑफ एसेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक वो जा रहा है उसका टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट जितनी हाइट तक जा रहा है उस मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम है वो क्या हो गया, टी इज इक्वल टू, जब हम ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी आ जाएगा। नाउ आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट एच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रीचेस द ग्राउंड अगेन, क्या होगा जब मैक्सिमम हाइट तक वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट एच है, वहां तक पहुंचने के बाद में ऑब्जेक्ट जो है वापस से फ्रीली फॉल करेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड के पार वापस आ जाएगा। नाउ फ्रॉम सिमेट्रिकल नेचर ऑफ मोशन इट इज क्लियर दैट टाइम ऑफ डिसेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, तो अगर हम सिमेट्रिकल नेचर देखें मोशन का, जिस तरह से ऊपर जाएगा जितना टाइम से वो ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में वो नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, दस एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विल रीच द ग्राउंड अगेन आफ्टर अ टाइम, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो कुछ समय के बाद में वापस नीचे आता है, ग्राउंड पर आता है, तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट जितना टाइम उसको ऊपर चढ़ने में लगा प्लस टाइम ऑफ डिसेंट जितना टाइम उसको वापस आने में लगा, तो क्या हो गया, टू टी हो गया, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट टू टी इज इक्वल टू टू यू, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी की बात कर, टू यू अपॉन जी, सो द ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड विद द स्पीड यू, यू स्पीड से वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड, लेकिन उसकी जो मोशन डायरेक्शन का जो मोशन है वो डाउनवर्ड रहेगा क्योंकि वो नीचे की तरफ वापस आ रहा है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज मास एंड वेट, तो पहले हम लोग मास पढ़ेंगे, मास क्या होता है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसके इनर्शिया का मेजर, यानी कि जितना इनर्शिया उसके अंदर है वही उसका मास है। इनर्शिया किसको कहते हैं, इनर्शिया वो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की जिसमें अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा उसी सेम वेलोसिटी से, तो इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर जितना इनर्शिया है, ऑब्जेक्ट मास जो है वो उसकी इनर्शिया का मेजर होता है। सो द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं, एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली मेजर्ड बाई यूजिंग अ कॉमन बीम बैलेंस, बीम बैलेंस आपने देखा हो उसको हिंदी में हम तराजू बोलते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके मास को हम यूजली या कॉमनली जो हम मेजर करते हैं वो बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। सिंस मास इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अब क्योंकि मास जो है वो इनर्शिया का मेजर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मास जो है ऑब्जेक्ट का वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, अगर अलग अलग कंडीशंस में भी अगर हम देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता। इट मीन्स दैट मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ ऑन अदर प्लैनेट एंड द मून एंड इवन इन आउटर स्पेस, चाहे हम कहीं भी चले जाएँ, ठीक है, अर्थ की किसी भी जगह पर चले जाएँ या प्लैनेट्स में चले जाएँ या मून पे चले जाएँ या स्पेस में चले जाएँ, तो मास जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। वॉट इज वेट देन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, वेट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो एक्चुअली में वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर लगाती है, राइट समझ में आया। मास क्या है, मास जो है वो उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया के बराबर होता है, जितना इनर्शिया उतना उसका मास होगा, लेकिन वेट जो है वो एक्चुअली में वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो इन अदर वर्ड्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ, यानी कि जो हमारा और आपकी बॉडी का जो वेट है वो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो एक्चुअली में वो फोर्स है जो अर्थ लगाती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो अर्थ लगाती है अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने के लिए, राइट, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेट। नाउ इफ स्मॉल एम बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन प्लेस, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है और उसकी एक्सेलरेशन जो है जो कि ग्रेविटी की वजह से है वो अगर स्मॉल जी है,
तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना होगा, जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की वजह से लगेगा वही उसका वेट होगा। सो इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टू एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफ इज इक्वल टू एम ए हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम जी हम देख रहे हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, क्योंकि एम इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और जी इज द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth, the unit of weight is same as that of force. क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो एक्चुअली में फोर्स है जो अर्थ उस पर लगाती है, अट्रैक्टिव फोर्स है जो अर्थ उसके ऊपर लगाती है अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ये फोर्स लगाती है। तो जो वेट की यूनिट होगी वही फोर्स की यूनिट होगी। तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो वेट की यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो वेट इज हैविंग बोथ द प्रॉपर्टीज, दैट इज वेट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। दस वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसीलिए वेट जो है वो फोर्स है जो एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे की तरफ एक्ट करता है वो और अर्थ की सेंटर की तरफ वो एक्ट करता है। एज अ वैल्यू ऑफ जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज करती है जगह से जगह में, वो अलग अलग रहती है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग जी की वैल्यू होती है। तो हैंस द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी चेंजेस। अब क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसीलिए वेट की भी जो वैल्यू ऑब्जेक्ट की होगी वो चेंज होती रहेगी जगह से जगह जाने में, अलग अलग जगह में जाने में। एंड ऑल्सो गोइंग ऑन एनी अदर प्लैनेट एंड द मून, किसी और प्लैनेट पे अगर हम जाते हैं या किसी मून प्लैनेट पे या फिर मून पे या कहीं और हम जाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो वेट है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि एक्चुअली में जो वेट है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ हमारे ऊपर लगाती है और हमें अपनी तरफ खींचती है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। सिंस द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कैन बी जीरो, हैंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो भी जीरो। अब क्योंकि वैल्यू जी की वैल्यू हो सकती है, सिंस द वैल्यू ऑफ जी कैन बी जीरो टू, हैंस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो भी जीरो। अब क्योंकि जी की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो इसलिए वेट की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसकी वैल्यू भी जीरो हो सकती है। तो इन अ सिचुएशन द ऑब्जेक्ट विल हैव, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो जो ऑब्जेक्ट का मास है वो फाइनाइट रहेगा, लेकिन उसका जो वेट है वो जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का मास हम 1 kg मान लेते हैं तो 1 kg ही रहेगा, लेकिन उसका जो वेट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो वेट भी जीरो हो जाएगा। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब हम अर्थ की एकदम सेंटर में जाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है ग्रेविटी की जो वैल्यू वो जीरो है, यानी कि वेट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा उसकी वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ में जीरो हो जाएगी। नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉमनली मेजर्ड बाय द यूज ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट हमको मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सो वी कैन सी हियर इन द टेबल डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और वेट को कैपिटल W से। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक्चुअली में उसमें कितना इनर्शिया है वही उसका मास होता है। और वेट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ। और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वो फोर्स है जिससे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। सेकेंडली मास की जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम होती है, वेट की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है। थर्ड इज मास इज अ स्केलर हैविंग ओनली अ मैग्नीट्यूड एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। यानी कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आएगा क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेर एज वेट जो है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी में आता है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कॉन्स्टेंट एंड इट डज नॉट चेंज एट ऑल। मोर ओवर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो।
किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, और मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी ज़ीरो नहीं होता। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो चेंज होता रहता है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ज़ीरो हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम सेंटर ऑफ अर्थ जाएंगे तो वहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है इसलिए वेट भी ज़ीरो हो जाता है। मास इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द यूज़ ऑफ अ बीम बैलेंस। मास को हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। वॉट इज इट? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एसिलरेशन इक्वल टू द एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास। यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स वो फोर्स है जो कि उस एसिलरेशन के बराबर होता है जो कि एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, यानी कि यूनिट मास ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। सो इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं कि वो फोर्स जिसको एक यूनिट मास ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बोलते हैं। दो कॉमनली यूज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? किलोग्राम फोर्स जिसको हम kgf लिखते हैं, और दूसरी है ग्राम फोर्स जिसको हम gf लिखते हैं। तो पहले हम लोग किलोग्राम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अ किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इट इज ऑल्सो नोन एज किलो ग्राम वेट। यानी कि किलोग्राम फोर्स वो फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है वो उसको एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और इसको हम किलोग्राम वेट भी बोलते हैं, यानी कि kg वेट भी बोलते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे 1 kg फोर्स जिसको हम 1 kgf लिख रहे हैं इज इक्वल टू 1 kg इंटू जी। ये यहाँ पे ग्रेविटी है। सो 1 kg मास इंटू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8 meters per second इनवर्स टू। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा? हमको जो वैल्यू मिलेगी जी की वो होगी 9.8 kg meters per second इनवर्स, और इसको हम वेट की यूनिट हम न्यूटन लिखते हैं तो 9.8 newtons। ठीक है, तो ये आपका 1 kg फोर्स का वैल्यू हो गया। सेकेंड इज अ ग्राम फोर्स। वॉट इज अ ग्राम फोर्स? अ ग्राम फोर्स इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 gram ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। राइट, तो अ ग्राम ऑफ फोर्स क्या है? वो फोर्स है जिसको एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 gram है वो उसको एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ लगा रही है। इसको हम ग्राम वेट भी बोलते हैं, यानी कि स्मॉल जी और wt से इसको डिनोट करते हैं। तो 1 gram फोर्स यानी कि 1 gf इज इक्वल टू 1 gram इंटू ग्रेविटी। तो 1 gram इंटू ग्रेविटी कितना हो गया? जी की वैल्यू 980 centimeters per second इनवर्स टू। तो ये हो गया 980 gram centimeters per second इनवर्स टू, और इज इक्वल टू 980 dyne। रिलेशनशिप बिटवीन किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स, यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज का दोनों का हम रिलेशनशिप निकालेंगे। तो 1 kg फोर्स को हम 1 kgf लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू हमने अभी प्रीवियसली निकाली 9.8 newton। सो 1 newton इज इक्वल टू 10^5 dyne होता है, तो 9.8 × 10^5 dyne हो गया। अब 9.8 × 10^10 dynes को हम डिवाइड करेंगे ग्राम फोर्स से जो कि जिसकी वैल्यू 980 है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1000 gram फोर्स, और इसको हम लिख सकते हैं 10^3 gram फोर्स। तो ये वैल्यू, ये आपका जो रिलेशनशिप निकल के आया है 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 10^3 gram फोर्स। तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप आपका निकल के आ गया। सो विद दिस वी आर फिनिशिंग आवर चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।